हेलो एवरीवन, एसआर टैग हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने पेन ड्राइव या कंप्यूटर या लैपटॉप में से कोई भी फाइल को डिलीट हो गया, फाइल को किस तरह से रिकवर करेंगे बहुत ही आसानी से। अगर आपका कोई भी फाइल डिलीट हो गया है गलती से, तो आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको करना क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है उसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने फाइल को आप बड़े इजीली फिर से रिकवर कर सकते हैं। वो क्या MP3 हो या कोई डॉक्यूमेंट हो या PDF फाइल हो या वीडियो हो, किसी तरह का भी कोई भी फाइल कंप्यूटर में है अगर डिलीट हो गया है तो आप उसे बड़े आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप यहाँ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड रोज इतने वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने ब्राउजर में आपको गूगल को खोलना है। गूगल खोल के वहाँ पे आप टाइप करेंगे रिकोबा, ठीक है। रिकोबा जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक यहाँ मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। ऐसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये है रिकोबा डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर आकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम भी डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट आपको उस पर जाके ही बताता हूँ कि कैसे आपको रिकवर करना है कोई फाइल को। चलिए अब जो है मैं आपको कुछ डिलीट करता हूँ, ठीक है, और उसे रिकवर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा कोई पेन ड्राइव लगा नहीं हुआ है, ठीक है। ये सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। अभी मैं इसके अंदर पेन ड्राइव डाल रहा हूँ अपना, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि शो करने लगेगा। सब कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूँ क्योंकि आप कहीं से भी नहीं लगा कि मैं आपके साथ कोई छल उल कर रहा हूँ। अभी देखिए, मैंने ये पेन ड्राइव डाला है, ठीक है। मैं इसे अभी कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे मैं पेन ड्राइव में क्लिक किया हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे 4 PDF फाइल है और एक MP3 है, ठीक है, टोन है। मैं इसे सुना भी देता हूँ आपको। ये शायद हमारे गुरु जी का, टेक्निकल गुरु जी का जो है इंट्रो टोन है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये पेन ड्राइव है, ठीक है ना। मैं इसे फिर वो निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, फिर से मैं इसे अंदर डाला हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं देखिए आपके सामने इसे डिलीट कर दिया हूँ और ये देखिए फाइल डिलीट हो गया है। इसके बाद जो है दोस्तों, मैं इसे फॉर्मेट भी कर देता हूँ। फॉर्मेट भी कर देता हूँ इसको, ये देखेंगे इसे फॉर्मेट। मैं इसे फॉर्मेट भी कर दिया हूँ आपके सामने। जो भी कर रहा हूँ सब आपके सामने कर रहा हूँ। अब मैं अपने रिकोबा सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा। रिकोबा जब ओपन करेंगे तो कुछ इंटरफेस इस टाइप का होगा इसका, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा फाइल आपका डिलीट हुआ है और कौन सा फाइल आपको रिकवर करना है। तो हमारा एक म्यूजिक है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो पहले हम जो है डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करते हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको लोकेशन देना है कि आपकी कहाँ से ये फाइल डिलीट हुई है। अगर आपके लैपटॉप से हुई है तो आप यहाँ पे जो भी सी या डी या ई ड्राइव से, जिस ड्राइव से आपका, जिस लोकेशन से हुआ है, आप यहाँ पे इस लोकेशन को दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पे पेन ड्राइव पर लोकेशन देने जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे पेन ड्राइव से डिलीट किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा पेन ड्राइव आ गया, ठीक है। पेन ड्राइव को क्लिक करके ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है ये कि ये टीप स्कैन करने के लिए बोल रहा है। टीप स्कैन करेगा यहाँ पे, तो हम इसे यस कर देते हैं। ये टीप स्कैन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। अच्छी स्कैन कर ही रहा है तो टाइम लगेगा इसे। अब ये देखेंगे हमारा स्कैन कंप्लीट होना ही वाला है और इसके बाद हमारा जो भी फाइल डिलीट हुआ है वो रिकवर हो जाएगा बहुत आसानी से। बस यहाँ पे 25 सेकंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे 25 सेकंड जो है इसकी टाइमिंग बची हुई है।
और इसके बाद जो है ये फाइल रिकवर कर देगा। अभी हमारा फाइल जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, सारा लिख दिया कि क्या क्या आपका फाइल था जो डिलीट किया हुआ था वो है यहाँ पे। और जो फाइल को आप रिकवर करना चाहते हैं आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे मार्क करेंगे कि जो हमारा जो पीडीएफ फाइल वाला जो था, ठीक है ना, जितना पीडीएफ फाइल हमारे मेमोरी कार्ड से डिलीट हुआ है ये सारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे लगभग कुछ को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे साइड में रिकवर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और आपको एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ करना है कि जिस जहाँ से आपकी फाइल डिलीट हुई है वहाँ पे इसको सेव नहीं करके आप इसे कहीं और लोकेशन पे सेव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं न्यू फोल्डर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ न्यू। ओके, अब ये देखिएगा हमारा फोल्डर जो है, इसके बाद जो है ओके कर देना है, ठीक है। और आप अपने फोल्डर को चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो फाइल डिलीट हुआ था वो न्यू फोल्डर में आ गया, देख सकते हैं। इसे आप बड़े आसानी से ये रिकवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब मैं जो है इसमें आपको एक MP3 जो डिलीट किया हुआ था मैं उसे रिकवर करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने इसे अपने पेन ड्राइव से डिलीट किया हुआ था, यहाँ पे पेन ड्राइव का लोकेशन दे देंगे, ये रहा हमारा पेन ड्राइव का लोकेशन। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट, यहाँ पर भी ये डीप स्कैन करने के लिए बोल रहा है तो हम इसे डीप स्कैन करने देते हैं। यहाँ पे भी कुछ समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले आप। तो आप देखेंगे मेरा स्कैन कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 80 सेकंड बचे हुए हैं और ये हमारा MP3 जो है वो रिकवर हो जाएगा। हमारा जो MP3 है वो रिकवर हो गया, आप देखेंगे यहाँ पे वो शो होने लगा है। और इसमें से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद रिकवर पे क्लिक करेंगे और वापस से जो हमने न्यू फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, वापस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने न्यू फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा आ गया है। एक्चुअली में इसका नाम जो पहले था, हमने इसे पहले ये किया हुआ था, एक्चुअली नाम पे आ गया ये। तो इसे प्ले करके दिखा देता हूँ, ये इंट्रो था हमारे गौरव सर का, ये देखिए। फिर से मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, तो एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि आप जब भी कोई चीज़ को रिकवर करेंगे तो सेम जहाँ से आपके फाइल को डिलीट हुआ है आपको वहाँ पे नहीं रिकवर करके दूसरे डिस्टेंस पे इसको रिकवर करना है, नहीं तो वहाँ पे वो रिकवर नहीं होगा। और मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे आपको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।